नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम आपको ऐसे चीज़ बताने जा रहे हैं कि जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, तो ये तो जान लीजिए कि बिहार पुलिस में जो भर्तियां आती है आखिर वो कौन कौन से पोस्ट पर आती है। लगभग आपका 8 से 10 पोस्ट पर भर्तियां आती है, लेकिन आप लोग मात्र 2 से 3 ही पोस्ट जानते हैं, उतने ही में सीमित रह जाते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनका कट ऑफ बहुत कम भी जाता है, जो आप लोग नहीं जानते हैं। और कौन से पोस्ट के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, इस वीडियो में एक एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। इसलिए जो साथी बिहार पुलिस के स्पेशल, बिहार पुलिस में कांस्टेबल दरोगा कोई भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि बिहार पुलिस में आपका भर्ती कौन कौन से पोस्ट पर आती है। चलिए अब हम एक एक पॉइंट को अच्छे से बताएंगे। किसी भी तरह का अगर आपके मन में प्रॉब्लम भी चले तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पहला जो आप नाम सुनते होंगे, बिहार पुलिस SI यानी सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा। दरोगे के पोस्ट पर जो भर्ती आती है ये आता है पहला। इसके लिए आपका एज क्या होता है, ठीक देख लीजिए। दरोगा अगर आपको बनना है तो इसके लिए जो एज का बात किया जाए, 20 से लेकर 37 साल UR के लिए एज का बात किया जाए। वही OBC का अगर बात हो जाए, UR यानी अनडिजर्व, ठीक, OBC का 20 से लेकर 40 साल और SC ST का 20 से लेकर 42 साल तक एज का सीमा रखा गया है। किसमें? बिहार दरोगा में। और इसमें के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। बिहार दरोगा का जो भर्ती आता है उसके लिए एज 20 से 37 साल UR, ये बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें अगर आपके हाइट का बात किया जाए, क्या चीज़ का हाइट के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप मेल हैं, क्या है, मेल हैं अगर, तो आपके लिए हाइट 165 चाहिए। किसके लिए? ये हाइट आपका है जो जनरल और OBC के लिए रखा गया है। अगर आप SC ST हैं तो 160 सेंटीमीटर है हाइट। ये हाइट जो है SC और ST के लिए रखा गया है। किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए बता रहे हैं। वही बात किया जाए फीमेल, ठीक, अगर आप फीमेल के बारे में बात किए करते हैं तो 155 सेंटीमीटर ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है बिहार दरोगा के फीमेल के लिए। मेल में जनरल OBC यानी EWS के लिए 165, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट का निर्धारित किया गया है। अब आइए बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के बारे में अगर बात किया जाए तो कांस्टेबल के लिए आपका एज का अगर बात किया जाए, सबसे पहले एज में आइए, तो एज इसके लिए 18 से 25 साल के बीच में आपका होना चाहिए। किसके लिए? युवा यानी अनरिजर्व के लिए। वही कैटेगरी वाइज इसमें छूट मिलता है, OBC को 3 साल, OBC यानी को 3 साल और SC ST को 5 साल का। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12th पास यानी 12वीं पास है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी हाइट का अगर बात किया जाए तो मेल के लिए, किसके लिए, मेल, यदि आप मेल हैं 165 सेंटीमीटर जनरल और OBC के लिए, ठीक, 160 सेंटीमीटर SC ST के लिए। वही फीमेल का बात किया जाए, किसका, फीमेल का, तो अगर 155 सेंटीमीटर है किसी भी कैटेगरी से फीमेल तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकती है। और ये BC के लिए है और इसी में आ जाता है 160 EBC, ठीक, EBC का भी हाइट 160 ही लगता है और मेल में 165 जनरल और BC के लिए लगता है। ये आपका कांस्टेबल हो गया। अब है बिहार पुलिस में एक और भर्ती आती है मद्य निषेध, तो जो मद्य निषेध का आपका बिहार पुलिस में भर्ती आती है इसके लिए क्या है,
बिहार पुलिस में मद्य निषेध का जो भर्ती जाता है एकदम सेम टू सेम किसके समान होता है, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए जो योग्यता होता है वो कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए जो योग्यता होता है वो एसआई वाले भर्ती के लिए होता है। ये भर्ती हमेशा आपको 500-700 पोस्ट पर देखने को मिलती है, इसमें फॉर्म फिलअप भी कम होता है, आप आसानी से भर कर इसे भी निकाल सकते हैं। एक बिहार पुलिस में एक और नया पोस्ट क्रिएट हुआ है जिसका नाम है डायल 112। डायल 112 में आप देखिएगा तो कांस्टेबल प्लस एसआई दोनों का भर्ती लगभग आपका 20,000 पोस्ट पर आने जा रहा है। किसमें? डायल 112। आप भी देख रहे होंगे बिहार में रोड पर हमेशा डायल 112 चल रहा है। अगर डायल 112 जो लोग नहीं देखे हो तो डायल कर सकते हैं अपने मोबाइल में डायल 112, वो आपके पास आकर आपको दिखाई दे देगा कि डायल 112 कैसे होता है, ठीक। लेकिन ये काम नहीं करना है। तो बिहार पुलिस में और कौन सी भर्ती आती है? डायल 112, जिसमें कांस्टेबल और एसआई का भर्ती आने जा रहा है। ये नया पोस्ट क्रिएट हुआ है। अगला है बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड यानी जंगली क्षेत्रों के लिए विशेष करके जो पुलिस की बहाली होती है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट गार्ड के लिए कांस्टेबल के लिए एज आपका 18 से 23 साल, वही ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाता है। किसके लिए? फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए। और एकदम सेम टू सेम सभी एग्जाम का पैटर्न लगभग समान होता है, थोड़ा बहुत का अंतर आता है। ये फॉरेस्ट गार्ड का भी भर्ती बिहार पुलिस में आते रहता है। अगला है बिहार पुलिस फॉरेस्टर। ये फॉरेस्टर होता है, ये होता है आपका 12 पास वालों के लिए। किसके? 12 पास जो साइंस से किए हैं उसके लिए। ये सिंगल स्टार वाला आपका पोस्ट होता है, ये भी बहुत अच्छा जॉब है। ये जो क्वालिफिकेशन आपका बिहार दरोगा में रहता है, केवल क्वालिफिकेशन इसमें 12 रहेगा, बाद बाकी जो हाइट का बात किया जाए वो सेम रहता है। देखिए जितने भी भर्तियां हैं बिहार पुलिस में सभी में हाइट लगभग सेम रहता है, ठीक, किसी में ज़्यादा का अंतर नहीं आता, सब में लगभग समान ही रहता है। बिहार पुलिस में एक और भर्ती आती है जिसका नाम है बिहार पुलिस ड्राइवर। बिहार पुलिस में चालक के पद पर भी बहुत से भर्तियां निकलती हैं। इस बार भी आपके चालक के पद पर लगभग 2200 से 2300 पोस्टों पे भर्ती आने जा रहा है। बिहार पुलिस में जो ड्राइवर का भर्ती आती है इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10th पास यानी 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास DL होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साथ में आपके पास DL होना चाहिए यानी ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आप बिहार पुलिस में ड्राइवर के पोस्ट पर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो है बहुत जल्द भर्ती आने जा रहा है, लगभग देखिएगा तो बिहार पुलिस में ड्राइवर पर अभी 1 से 2 माह के अंदर में इसमें भर्ती देखने को मिल जाएगा। DL यानी 4 चक्का का होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस अगर 2 चक्का का बनाए हैं तो नहीं हो सकता है, 4 चक्का का होना चाहिए। DL आपका 6 माह कभी कभी 1 साल पुराना मांगा जाता है। एक और भर्ती आता है बिहार पुलिस फायरमैन। बिहार पुलिस में फायरमैन के पोस्ट पर भी भर्ती आता है, अगर कांस्टेबल पर आता है, ठीक, कांस्टेबल पर आता है तो दम सेम ये कांस्टेबल का जो है क्वालिफिकेशन सब कुछ वही रहता है, ठीक, एसआई का आता है तो एसआई। ये था आपका बिहार पुलिस में प्रमुख मुख्य रूप से बड़ी संख्या में आने वाली भर्तियों से संबंधित पोस्ट। ये 8 ऐसे पोस्ट हैं जो बिहार पुलिस में बार बार भर्तियाँ इसमें हर एक साल लगभग 1 से 2 साल पर रिपीट करते ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में आपको सफलता मिले तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर और भी किसी भी तरह का मन में प्रश्न चल रहा है कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए